आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी। इसमें 1 कप चावल, 1 कप मूंग दाल ली हूँ छिलके वाली। अब इसमें हम पानी डालेंगे, 2 कप है तो हम 4 कप पानी डालेंगे। 1 कप दाल है, 1 कप चावल है तो हम चार चार कप पानी डालेंगे, 5 कप पानी डालेंगे। फिर 1 कप मटर, हरी मटर थी, 1 आलू कट करके लिए हैं, धनिया की पत्ती डालूंगी, हींग है, ये गोटा हींग है डालूंगी, साल्ट ऐड करूंगी। साल्ट डाल के हल्दी डालूंगी, इसको कन्नड़ा में अरसना भी बोलते हैं। अब मैं लीड लगा के 4 विसल तक आएंगे, 4 विसल आने के बाद फिर मैं इसको चेक करूंगी। अभी 4 विसल हो गए हैं, अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही टेस्टी लगी थी, ऐसे बना के देखिए 5 मिनट में बन जाती है। मैगी सब लोग खाते हैं, मैगी के बजाय ये खाएं, हेल्दी भी है टेस्टी भी है। अब इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। मैं टेस्ट की थी जी, बहुत अच्छा बना था, मैं ये डिनर में ही बनाई थी। अचार के साथ में सर्व करी, बिना अचार के भी खा सकते थे, बहुत टेस्टी लग रही थी। विदाउट लहसुन प्याज का, जो लहसुन प्याज नहीं खाता उसके लिए तो बहुत ही टेस्टी है। ये मेरा अचार भी विदाउट लहसुन का है। अब मैं थोड़ा सा घी डाल के, खाली घी डाल के खा सकते हो, बिना अचार चटनी पापड़ के खा सकते हो।